नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। देखिए, एक मैं बहुत एडवांस प्रोडक्ट लेके आ गया जो कि हम लोग काफ़ी दिनों से बना रहे थे और अब एक परफेक्ट प्रोडक्शन क्वांटिटी पे हमारे पास ये अवेलेबल है। आपने S350H सुना होगा फ्रेंड, सैनीलिंक का। ये S350H का बहुत ही एडवांस वर्जन है। इसमें TPA 3251 की दो IC लगी हुई हैं। तो TPA 3251 जो IC है फ्रेंड्स, वो सैटेलाइट पे अगर आप स्टीरियो मोड पे निकालते हैं तो 220 वाट तक देती है, और जब आप सबवूफर मोड पे निकालते हैं तो 350 वाट तक देती है। पर फ्रेंड्स, ये 2 ओम्स एंड 3 ओम्स पे होता है, मतलब इतने लोअर ओम्स के आपको स्पीकर यूजुअली नहीं मिलेंगे। अगर आप अरेंज कर लेते हैं तो अच्छी बात है, बेटर ये होगा कि आप सैटेलाइट 8 ओम की लगाएं और जो सबवूफर है वो 4 ओम का लगाएं। तो ये कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और आपको बहुत अच्छी खासी पावर मिलेगी। मैं टेस्टिंग करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स इसकी। इसकी टेस्टिंग आप 24 वोल्ट के अडाप्टर पे ही मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ज्यादा लाउड है और बहुत हाई क्वालिटी है। मुझे 36 तक तो जाने की कैपेबिलिटी ही नहीं है, जबकि मैं 8 इंच के सैटेलाइट्स और 12 इंच का सबवूफर यूज कर रहा था। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मॉडल है हमारा जो कि पूरा हमारा इन हाउस प्रोडक्शन है। और आपको मैं अपने ऑलरेडी मेन आईसी के बारे में बता दिया है, आइए मैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताता हूं। देखिए, IoT S350H, इसमें मॉडल नंबर लिखा हुआ है। सबवूफर वॉल्यूम का इधर बटन है, ट्रेबल का है, बेस है, मास्टर वॉल्यूम है। यहाँ पे फ्रेंड्स USB में आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं। खूबसूरत बात फ्रेंड्स ये है कि इसमें बोर्ड में IR है। IR का मतलब आप एक रिमोट से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मेरे पास यही बेसिक वाले रिमोट मिल रहे हैं फ्रेंड्स, अच्छी क्वालिटी का। मेरे को स्टेबल सप्लाई नहीं मिली, तो आपको इसी टाइप के रिमोट शायद जाएंगे, पर ये एक जेनेरिक रिमोट्स हैं जो कि आप कहीं से भी ले सकते हैं और बहुत आराम से आपके किसी भी बोर्ड पे ये मतलब किसी भी रिमोट से ये बोर्ड चल जाएगा। तो कुछ ऐसा सुपरफिशियल सा नहीं दिया है कि एक बार आपका रिमोट खराब हो गया तो आप फिर रिमोट ढूंढते रहें या उटपटांग प्राइस पे खरीदें, ऐसा करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ फीचर बताता हूं। देखिए, रिमोट कंट्रोल तो है ही है, इसमें ब्लूटूथ भी लॉसलेस है, ऑप्टिकल सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स, आपको जल्दी ये फीचर नहीं मिलेगा बहुत सारे बोर्ड्स में। USB इनेबल्ड ऑडियो जो मैंने बताया, और इसमें फ्रेंड्स इनबिल्ट DSP है। तो ये IC जो हम लोग ने लगाई हुई है, नॉट 3251, मैं दूसरी IC की बात कर रहा हूं जो कि ब्लूटूथ IC है। इसमें इनबिल्ट DSP है जिसके थ्रू हमने इस बोर्ड को बहुत ही बढ़िया फाइन ट्यून किया हुआ है। और आप देख सकते हैं इसमें ऑक्सिन के लिए RCA पोर्ट्स हमने दिए हैं। RCA है, ऑप्टिकल है, आप मोड से स्विच कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपके पास रिमोट नहीं है। अगर रिमोट है तो इस स्विच की कोई यूटिलिटी नहीं है। दूसरी खूबसूरती फ्रेंड्स इस बोर्ड की ये है कि ये स्क्रू ड्राइवर फ्री असेंबली है, मतलब आपको ये ऐसा आएगा और इसमें पुश कनेक्टर्स हैं, आपको इसको पुश करना है और इसमें तार डाल देना है और दैट्स इट। कोई भी स्क्रू ड्राइवर की आपको जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी एक DIY प्रोडक्ट नहीं है जिसको आपको असेंबली में दिक्कत आएगी करने में, एकदम आराम से आप लगा सकते हैं। इसमें हम लोग चाहते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो जैक था इसको DC जैक दे सकते थे, पर DC जैक देने का न देने का रीजन फ्रेंड्स ये था कि उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती है। तो अगर आपका कोई अडाप्टर है जिसमें DC जैक लगा हुआ है, तो आप कट करके आप डायरेक्ट वायर इसमें प्लग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्टर्डी, बहुत ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है फ्रेंड्स। बहुत छोटा सा बोर्ड है पर जबरदस्त पावर देता है, वो आपको अभी मैं जब पावर टेस्ट कराऊंगा तो आपको दिख जाएगी। अब मैं एक बार इसको खोल करके फ्रेंड्स इसके अंदर की भी आपको दिखाता हूं असेंबली। तो दोस्तों, मैंने देखिए इसको इसके पेज खोल दिए है, अब मैं इसका लिड हटा के आपको दिखाता हूं। देखिए, ये है बोर्ड फ्रेंड, 3251 की दो IC इसके नीचे लगी हुई हैं। फैन है इसमें लगा हुआ, डबल कैपेसिटर है फ्रेंड्स, 50 वोल्ट 4700 UF के दो कैपेसिटर हमने दिए हुए हैं। और ये कनेक्टर्स देखिए फ्रेंड्स, एकदम ही यूनिक कनेक्टर हैं, जल्दी आपको कहीं नहीं दिखेंगे इस टाइप के हमने ये कनेक्टर्स लगाए हुए हैं। तो एक अच्छा, आप कितनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है आप देख सकते हैं। साथ ही में आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कंपोनेंट्स कम है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इसके बैक साइड मैं खोल के दिखाता हूं, बहुत सारे कंपोनेंट्स इसके बैक साइड में हैं। तो देखिए दोस्तों, कितने सारे कंपोनेंट्स, इसके एक्टिव कंपोनेंट्स और ICs इधर की साइड लगी हैं। ये है हमारी IC जो DSP और ब्लूटूथ का काम करती है।
तो एक बहुत ही एडवांस बोर्ड बना हुआ है, जिस तरह का बोर्ड आपको जल्दी मार्केट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। डबल साइड SMT होने के कारण ही इसका साइज इतना छोटा हो पाया है और आपको इसकी ड्यूरेबिलिटी से कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आज की डेट में जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज हैं वो ऐसे ही बनती हैं और बहुत स्टेबल रहती हैं, तो आप ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि ये खराब हो जाएगा तो फिर बनेगा नहीं बनेगा। डेफिनेटली इन सबको रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है, बट ये जिस तरह की चीजें हैं ये खराब ही इतनी जल्दी नहीं होती। सारे तरह के इसमें प्रोटेक्शन है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन है, स्पीकर प्रोटेक्शन है, आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, तो इस तरह के सारे प्रोटेक्शन इन सब ICs में ऑलरेडी इनबिल्ट है और बहुत ही स्टेबल है। आप मस्त इसमें पावर सप्लाई लगाइए और अपने स्पीकर्स एंड सबवूफर को कनेक्ट करिए और म्यूजिक एंजॉय करिए। छोटा सा सेटअप है फ्रेंड्स, बहुत हाई क्वालिटी ऑडियो आपको देगा और बहुत सेटिस्फैक्ट्री आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया पूरे बोर्ड का। अब इसके साथ साथ ही फ्रेंड्स मैं अपने नेक्स्ट सेटअप में आपको दिखाता हूं इसकी ऑडियो प्ले करके, जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैंने ब्लूटूथ पेयर कर लिया है और आइए प्ले करके म्यूजिक देखते हैं कि कैसा ये बजता है। मैंने लगभग सारे पोटेंशियोमीटर्स फुल पे किए हुए हैं और मास्टर वॉल्यूम को कम कर देता हूं। दोस्तों मैं यहाँ रिमाइंड करा दूं कि ये जो सैटेलाइट्स लगे हुए हैं वो 8 इंच के हैं और सबवूफर 12 इंच का है और वो 24 वोल्ट की पावर सप्लाई पे ही नहीं झेल पा रहे हैं, तो 36 वोल्ट के लिए तो फ्रेंड्स मेरे पास कोई सेटअप नहीं बचता, क्योंकि सैटेलाइट मैं कितने ही इंच का लगा दूंगा और सबवूफर मैं 15 इंच का कैसे लगा दूंगा घर में, तो वो मेरे लिए फिजिबल नहीं है। शायद मुझे लगता है कि इतना बड़ा सेटअप की कोई होम में यूज नहीं होता, बट शौकीन लोग हैं और हाई क्वालिटी मतलब वॉटेज तो मिल ही रहा है, साथ में बहुत सारे और फीचर मिल रहे हैं, तो वर्थ है लेना। अभी आपने फ्रेंड्स देखा कि ये फुल था, अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, ये फुल नहीं है क्योंकि ये रिमोट से फुल होता है और जब रिमोट से फुल होगा तो ये बहुत लाउड हो जाएगा। ये असल में बहुत तरह के मल्टीपल इनपुट से लेता है, तो आप चाहे ब्लूटूथ से कितना भी फुल कर लीजिए, मास्टर वॉल्यूम से भी, पर इसके बाद भी आप जब रिमोट से तेज करेंगे तो ये एक्सट्रीम लेवल पे तेज हो जाएगा। मैं अभी दिखाता हूं फ्रेंड्स, आप देख दोस्तों ये अलग लेवल पे बहुत लाउड बहुत हाई क्वालिटी साउंड है, आप सुन सकते हैं। देखिए पॉज पे पड़ा है, पावर ऑन है, कोई हिसिंग कोई हमिंग नहीं है।
और डीएसपी वगैरह है, मैंने फीचर्स आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो 24 वोल्ट पे ये स्थिति है इसकी फ्रेंड्स, 36 वोल्ट पे तो ये और ऊपर के लेवल पे जाएगा, पर मेरे पास फीजिबल ही नहीं है उस सेटअप को चेक कराना। और उसके साथ साथ बात यह है फ्रेंड्स कि माइक किसी भी तरह से इस तरह की लाउड साउंड उस क्वालिटी पे उठा ही नहीं सकता है। तो आप सिर्फ जज कर सकते हैं, आप जज कर सकते हैं वाइब्रेशन से थोड़ा बहुत, आप जज कर सकते हैं कि जब वाइब्रेशंस खत्म हो रही हैं, मतलब बेस कम हो रहा है, तो आप देखेंगे कि हाइज बहुत ही टॉप नॉच है, बहुत बढ़िया बजता है, एकदम ही स्टेबल है। और क्वालिटी के लिए कोई जवाब नहीं है इसका। अभी तक जितने भी एम्पलीफायर्स हमने बनाए हैं या मार्केट में हैं इस प्राइस रेंज में या इससे डेढ़ गुनी दुगनी प्राइस रेंज में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा जो इसको कम्पीट कर पाए। तो कैसा लगा फ्रेंड ये प्रोडक्ट, हमारे पास स्टॉक में है, आप डिस्क्रिप्शन से बाई कर सकते हैं। और अगली बार मैं कुछ नया लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।